महाराष्ट्र में महायुति में सीटों का बंटवारा तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 150 से अधिक सीटों पर लड़ेगी चुनाव। शिवसेना को करीब 90 सीट तो अजीत गुट को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी सीट फाइनल। उद्धव सेना और कांग्रेस 100 से 110 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। एनसीपी शरद पवार गुट को 70 से 80 सीट मिलने की उम्मीद। उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे वर्डी से लड़ेंगे। सीएम शिंदे के खिलाफ उतरेंगे केदार दिघे। झारखंड में बीजेपी के सहयोगी दल आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने अमित शाह से मुलाकात की। यूपी की सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी चुनाव। अखिलेश बोले बात सीट की नहीं जीत की है। झारखंड चुनाव के लिए जेएमएम ने जारी किए 5 उम्मीदवारों के नाम। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव उम्मीदवार। एनसीपी शरद गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजीत पवार की पार्टी के घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज की। वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने भरा पर्चा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रहे साथ में मौजूद। प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई। कांग्रेस ने असम की एक और कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 13 नवंबर को 3 सीटों पर मतदान। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात। 5 साल बाद दोनों नेता मिले। पीएम मोदी ने एलएसी पर समझौते का किया स्वागत। कहा विश्व शांति और स्थिरता के लिए भारत चीन का साथ बेहद जरूरी। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी गेट पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जलाए दिए। जय श्रीराम और भारत माता के लगाए नारे। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम में विवाद पर जामिया प्रशासन ने जारी किया बयान। कहा प्रायोजित थी पूरी घटना, केस दर्ज। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज की। सलमान खान से 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार। मुंबई के वर्ली से किया गया गिरफ्तार। जमशेदपुर का रहने वाला है आरोपी। बेंगलुरु हादसे पर पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख। हादसे में मृतक के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख की आर्थिक मदद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मेहरोली में पदयात्रा की। वक्फ बिल पर समिति में शामिल बीजेपी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी को लोकसभा से निलंबित करने की मांग। इंदौर में मानसिक विक्षिप्त महिला का रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में प्राथमिक विद्यालय में बच्चियों से बैड टच। आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज। गरियाबंद पुलिस ने हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर को लापता लड़की की हुई थी हत्या। एमपी के शहडोल में तेंदुए के अटैक का लाइव वीडियो। खितौली के शोभा घाट में पिकनिक मनाने गए लोगों पर किया हमला। यूपी के बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। पिछले 25 दिनों में पकड़े जा चुके हैं 8 तेंदुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में 2 लड़कों की मौत। परिजनों ने जहरीली शराब बताई मौत की वजह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले में शामिल आतंकी का फोटो किया गया जारी। यूपी के बलिया में जीआरपी ने अवैध कारतूसों की बड़ी खेप पकड़ी। लड़की के ट्रॉली बैग से 750 अवैध कारतूस बरामद। अयोध्या में बुलेट सवार साधु के साथ मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। साधु पर छेड़खानी का आरोप। यूपी के जौनपुर में गल्ला गोदाम में चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्यूशन में लेट पहुंचने पर एक टीचर ने छात्र को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। यूपी के कासगंज में अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल। दहशत फैलाने के लिए बनाई गई वीडियो। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुखबधिर युवक के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। रिश्तेदार के घर के बाहर पेशाब करने का आरोप। बिहार के दरभंगा में जिला परिषद प्रतिनिधि का ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ अश्लील डांस करते हुए वीडियो वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में दिन दहाड़े घर में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। बिहार के भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की उनकी पत्नी ने की पिटाई। 1 घंटे तक चला ड्रामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में विवाद। पत्थरबाजी का वीडियो सीसीटीवी में कैद।